हेलो एवरीवन। तो मैं अपने मायके से लेके आई थी गोलगप्पे, तो ये दी थी मेरी छोटी भाभी ने और वो लेके आई थी अपने मायके से। तो यहाँ पे मैंने इमली की चटनी बना दी है और दही में भी चीनी मिक्स करके रख दी है। और यह है हरी चटनी और यह है गोलगप्पों का पानी। इसमें मैंने थोड़ी सी चटनी और हरी चटनी और इमली की चटनी भी ऐड करी है। और यह है आलू का मसाला रेडी कर दिया है और तेल भी गर्म हो गया है। तो अब सबसे पहले करूँगी ये रेडीमेड गोलगप्पे फ्राई। और शुरू में तो 3-4 गोलगप्पे तो मेरे फूले ही नहीं, तो मैंने कहा चलो ये लास्ट में खाने के काम आएगा, जो कि गोलगप्पे वाले भैया करते हैं कि पहले गोलगप्पे देते हैं, लास्ट में जो पापड़ी होती है उसमें आलू मसाला डाल के देते हैं ना खाने के लिए। तो सोचा ये लास्ट में वही उसी के काम आएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़े थोड़े करके गोलगप्पे डाल रही थी, क्योंकि एक साथ डाल रही थी तो जल जा रहे थे, तो मैंने सोचा थोड़े थोड़े करके डालूँगी और फिर अच्छे से फ्राई भी हो जाएंगे और जलेंगे भी नहीं। तो गोलगप्पे फ्राई हो गए थे, तो यहाँ पे मैंने अपने बेटे को दे दिए थे प्लेन गोलगप्पे, क्योंकि वो खाता नहीं है। वो कितने चक्कर मार देते उसने किचन के कि मम्मी गोलगप्पे बन गए हैं, तो उसको मैंने दे दिए हैं प्लेन गोलगप्पे। और सबसे पहली प्लेट में पापा के लिए लगा रही हूँ, क्योंकि पापा ने वॉक करने जाना है। और आज मैं बना रही हूँ दही वाले गोलगप्पे, तो मैं एक एक करके प्लेट बना रही थी, नहीं तो दही डालो तो गोलगप्पे थोड़े सॉगी से हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली प्लेट मैंने पापा के लिए लगाई, तो पापा के लिए तो मैंने सिंपल ही बना के दे दिया था, क्योंकि पापा को काफ़ी लेट हो रही थी। तो यहाँ पे मैं दूसरी प्लेट लगा रही हूँ मम्मी के लिए, और मम्मी को भी दे दिया है खाने के लिए। क्योंकि क्या है ना, दही डालो तो दही एकदम गोलगप्पे गीले से हो जा रहे थे। और ये लास्ट जो प्लेट है वो मैं लगा रही थी परी के लिए, और परी कह रही थी कि मम्मी यहाँ पे दही तो बहुत लिक्विड सी लग रही है, और ये है घर की दही इसलिए आपको थोड़ा लिक्विड सा ज़्यादा लग रहा होगा, क्योंकि बाहर की दही तो गाढ़ी रहती है और जो घर में जमाई भी रहती है तो थोड़ी लिक्विड सी हो जाती है। फिर मैंने चीनी भी डाली तो वो और ज़्यादा पानी पानी सा हो गया था। तो बस यहाँ पर मैंने सब कुछ डाल दिया है और ऊपर से मैंने नमकीन डाल दी थी, तो नमकीन मुझे कुछ मिली नहीं, तो घर में जो ही नमकीन थी मैंने वही डाल दी थी। तो ये प्लेट रेडी है और अब मैं भी टेस्ट करती हूँ कि कैसे बने हैं। तो आई होप आपको ये मिनी ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।